गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोगों को अब तक बोर्ड की डेट शीट तो मिल ही चुकी होगी। सीबीएसई की साइट्स पर बोर्ड की डेट शीट 10th और 12th के लिए आ चुकी है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि बोर्ड की डेट शीट जो आई है, जो आपके एग्ज़ाम 15 फरवरी से 15th फेब से 30th मार्च तक चलेंगे 12th के एग्ज़ाम, तो उसमें मैथ्स के लिए किसके पास कितना टाइम है और आप उसकी किस तरह से तैयारी करेंगे। क्योंकि डेट शीट आने के बाद आप लोग सीरियस हो जाते हैं। अभी तक आप लोगों को लगता है कि डेट शीट आएगी तो करेंगे, इतना सोचते सोचते आप लोगों ने बहुत टाइम लगा दिया। तो अब ये जो अब आपका 1.5 मंथ आपके पास है, आपके हाथ में है, उसे अब आप कैसे यूटिलाइज करेंगे, तो आज हम इस बात को डिस्कस करेंगे। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अब जो टाइम आपके पास है आपने उसे प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। तो उसके लिए अगर हम डेट शीट की बात करें कि अगर हम डेट शीट देखें तो डेट शीट में आपके साइंस या ह्यूमैनिटीज़ में साइकोलॉजी आई थिंक कि पहले आ रहा है, बट अदरवाइज फिजिकल एजुकेशन का इस बार एग्ज़ाम पहले है जो सबसे लास्ट में होता था, दैट इज़ ऑन 24th फेब, इंग्लिश 27th फेब। तो दो एग्ज़ाम आपके फेब्ररी में हो गए जो हमारे 1st मार्च से होते थे। पहले हमारे लाइट पेपर्स होते थे फेब्ररी में, अब हमारे पास दो पेपर्स कहने में लाइट भी हैं बट मेन पेपर्स भी हैं जो फेब्ररी में होंगे। इसके अलावा अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स का पेपर आपका 17th मार्च को है। तो साइंस स्टूडेंट्स के लिए जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि 10 डेज उनको मिल रहे हैं उसमें, जहां आपका 7 मार्च को केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है तो उसके बाद आपका 17th मार्च को मैथ्स का एग्ज़ाम होगा। तो आपको नियर बाय 10 डेज मिल रहे हैं, तो उन 10 डेज को आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो कि आप बहुत अच्छे से तैयारी करके बहुत बढ़िया मार्क्स मैथ्स में ला सकते हो। अगर हम बात करें कॉमर्स स्टूडेंट्स की तो कॉमर्स के लिए 13th मार्च को इकोनॉमिक्स का पेपर है और उसके बाद 17th मार्च, तो 3 दिन उनको मिल रहे हैं। तो 3 दिन में तैयारी करने के लिए उनको सबसे पहले अपना एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले उनको सारा मैथ्स का रिवाइज करके रखना पड़ेगा। क्योंकि 3 दिन में अगर आप सोचो कि आप कोई टॉपिक उस टाइम करोगे तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। 3 दिन में आप सिर्फ रिवाइज ही कर पाओगे, और वो स्टूडेंट्स जिनके पास मेडिकल प्लस मैथ्स है, दैट मीन्स बायो एंड मैथ्स है, उनके लिए 2 दिन, क्योंकि 14 मार्च को बायो का एग्ज़ाम है और 17th मार्च को मैथ्स का, तो उनको सिर्फ 2 दिन मिलेंगे। तो उनको भी तैयारी पहले से ही करके रखनी होगी। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के पास अब आपका शेड्यूल है कि आपको पता है कि एग्ज़ाम कब कौन सी डेट को हैं, प्रैक्टिकल्स आपके पहले हो जाएंगे तो उसकी भी आपको तैयारी करनी है कि आपको प्रोजेक्ट वर्क अपना पहले से कंप्लीट करके साइन करवा के एक साइड पे रख दीजिए ताकि थ्योरी पढ़ने का टाइम आपका वेस्ट ना हो। हम लोग क्या देखते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लास्ट मोमेंट तक जब तक प्रैक्टिकल की डेट आएगी उससे 1 दिन पहले तक प्रैक्टिकल की फाइल्स बन रही होती हैं, तो उसमें जो आपका थ्योरी पढ़ने का टाइम है उस टाइम आप अपना टाइम खराब करते हैं। कहाँ? प्रैक्टिकल्स में। प्रैक्टिकल्स के लिए आप थ्योरी पढ़िए, लेकिन जो आपका प्रोजेक्ट वर्क है, जो आपका वर्किंग मॉडल है या जो भी चीज़ें आपके पास हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिकल एजुकेशन की फाइल है, तो वो काम आप पहले से ही करके रखिए ताकि वहाँ आपका टाइम वेस्ट ना हो। वाइवा के लिए आपको जो तैयारी करनी है वो कीजिए ताकि वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी आपकी हेल्प करेगी। तो इस चीज़ का, छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे ताकि उसके अकॉर्डिंग आप अच्छे से इस टाइम को यूटिलाइज़ कर पाएँ। ये टाइम अब आपका वेस्ट करने का नहीं है, सोचने का नहीं है, अब ये टाइम एक्शन का है। अब आपको सोचना नहीं है, अब आपको करना है। दैट इज़ द टाइम फॉर टेक एक्शन, कि अब आपको इस टाइम पर किस तरह से कैसे तैयारी करनी है, तो आज हम ये डिस्कस करेंगे, राइट? तो डेट शीट तो आप लोगों के पास ऑलरेडी है, आप सीबीएसई की वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं। उसके अलावा जो अगर हम बात करें आपकी, तो सबसे पहले मैथ से रिलेटेड अगर हम बात करें कि आपको कैसे तैयारी करनी है, तो उसके लिए हमने वीडियो एक डाला भी था कोर्स और न्यू फॉर्मेट का, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा। उसी से रिलेटेड अब हम ये देखेंगे कि कौन से चैप्टर्स ईजी हैं, कौन से चैप्टर्स मुश्किल हैं, कौन से चैप्टर की तैयारी हमें किस तरह से करनी है।
तो अगर हम उसकी बात करें तो सबसे पहले ही मैं एक बार यहाँ चैप्टर्स लिख रही हूँ लिखकर, कि जैसे आपके पास मान लो रिलेशन एंड फंक्शंस की अगर हम बात करें तो ये आपका 8 मार्क्स का है। एलजब्रा की अगर हम बात करें तो एलजब्रा आपके पास है 10 मार्क्स का। कैलकुलस की बात करें तो कैलकुलस आपकी सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, दैट इज़ ऑफ 35 मार्क्स। वेक्टर 3D की बात करें तो दैट इज़ ऑफ 14 मार्क्स। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आपका 5 मार्क्स का है और प्रोबेबिलिटी आपके पास है 8 मार्क्स की। तो टोटल 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के हैं जो हमने वहाँ डिस्कस किया था। आज हम वो डिस्कस नहीं करेंगे, आज हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो आपके पास हैं चैप्टर्स, इन यूनिट्स में जो हमारे पास ये 6 यूनिट्स हैं, इन 6 यूनिट्स में कौन से चैप्टर ज़्यादा स्कोरिंग हैं, कौन से चैप्टर्स आपको पहले करने चाहिए और किस तरह से हम तैयारी करें। तो उसके लिए अभी हम सबसे पहले एक बार जनरल बात कर लेते हैं फटाफट चैप्टर्स की। जैसे इसमें हमारे पास 2 चैप्टर्स आएंगे, फर्स्ट और सेकेंड एल्जब्रा, और इसमें 2 चैप्टर्स आएंगे हमारे पास थर्ड और फोर्थ चैप्टर, दैट इज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके पास कैलकुलस, कैलकुलस में आपके पास 5th, 6th, 7th, 8th, 9th 5 चैप्टर्स आपके पास आ रहे हैं इसमें। वेक्टर्स 3D में 2 चैप्टर्स हैं, इसमें 1 चैप्टर है और प्रोबेबिलिटी में भी 1 चैप्टर है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हम यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन और भी लिख सकते हैं, दैट इज़ कि जो आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। अब क्वेश्चन पेपर अगर हम देखें तो क्वेश्चन पेपर में आपके पास 4 सेक्शंस हैं, ABCD। इसमें आपके पास 20 क्वेश्चंस आएंगे 1 मार्क के। इसमें आपके पास 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, दैट इज 6 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स। 4 क्वेश्चंस आर ऑफ 4 मार्क्स एंड 4 क्वेश्चंस आर ऑफ 6 मार्क्स। तो ये आपके पास टोटल 36 क्वेश्चंस आएंगे, आपके पास टोटल 36 क्वेश्चंस। अब इसमें आपको कैसे स्कोर करना है अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले ये जो 1 मार्क के क्वेश्चंस आपके पास हैं, इन्हें स्कोर करना सबसे इजी है। इसमें आपके पास जो 20 मार्क्स का बाइफरकेशन है, इसमें आपके पास क्या आएगा, 10 मार्क्स जो आपके पास आएंगे दैट इज फॉर MCQ, 5 मार्क्स आपके पास आएंगे फिलअप्स, और 5 मार्क्स का आपके पास क्या आएगा, दैट इज वेरी शॉर्ट आंसर्स। तो इसमें स्कोर करना आपके लिए बहुत इजी है। सबसे पहली चीज़ कि आप कोई भी चैप्टर छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क के क्वेश्चंस हर चैप्टर में से आएंगे। अगर आप थोड़ा सा लिटल बिट भी पढ़ लेते हैं तो आप 1 मार्क के क्वेश्चंस तो कर ही सकते हैं। और जहां हम MCQ की बात करें या फिलअप्स की बात करें तो 1 वर्ड आंसर्स ही होते हैं आपके पास, फिलअप में भी एक ही वर्ड लिखना है। तो अगर आपने चैप्टर को थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ है तो कम से कम आप उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ तो लिख ही सकते हैं। तो उससे रिलेटेड जैसे वेरी सिंपल आंसर्स आते हैं, उसमें भी 1 वर्ड आंसर आता है, और इतने तो समझदार आप भी हैं कि 1 मार्क के क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि क्लास में आप अकेले बैठकर एग्जाम नहीं दे रहे, आपके साथ और भी स्टूडेंट्स बहुत सारे बैठे हैं। तो इसमें तो अगर आप डायरेक्टली आंसर भी लिखते हैं देन ऑल्सो यू गेट द कम्प्लीट 1 मार्क फॉर दैट, तो दैट इज़ वेरी स्कोरिंग। तो ये 20 मार्क्स लाने आपके लिए बहुत ईजी रहेंगे। अगर हम बात करें 2 मार्क्स के क्वेश्चंस की, तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आपके पास इजी हैं, क्योंकि आपके पास 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं आते, तो वो भी बेसिक क्वेश्चंस आते हैं जो आपने अगर सिंपल कॉन्सेप्ट भी अच्छे से कर लिया, उसे समझ लिया, देन यू कैन स्कोर इट ईजिली। तो 12 मार्क्स और 20 मार्क्स, दैट मीन्स दैट 32 मार्क्स आउट ऑफ 80 यू कैन स्कोर इट वेरी ईजिली, राइट। तो ये 32 मार्क्स तो आप इजीली स्कोर कर ही सकते हैं। अगर हम 4 मार्क्स और 6 मार्क्स की बात करें तो हम यहाँ आते हैं चैप्टर्स पर। अगर हम इन चैप्टर्स में से देखें कि कौन से चैप्टर्स हम इजीली कर सकते हैं, तो सबसे मुश्किल बच्चों को चैप्टर लगता है, लास्ट मोमेंट तक लगता है कि रिलेशंस और फंक्शंस बड़ा मुश्किल चैप्टर है, बट दैट इज़ वेरी स्कोरिंग चैप्टर अगर आप ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन, सबसे पहली चीज़ इसमें एक टॉपिक आपका हट चुका है, दैट इज़ बाइनरी ऑपरेटर। तो आपके पास सिर्फ 3 टॉपिक्स रह गए, इक्वलेंस रिलेशन,
सेकंड टॉपिक आपके पास रह गया 1-1 on 2 जो आपको प्रूव करना होता है, या तीसरा कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन की अगर हम बात करें या 1-1 on 2 की बात करें तो 1 mark के क्वेश्चंस भी उसमें से बनते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस होते हैं आपके पास वो इक्विवेलेंस रिलेशन के। और अगर इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करें तो इक्विवेलेंस रिलेशन में जो क्वेश्चन आपका अगर 4 marks का बनता है, राइट, तो उसमें वो आपसे यही पूछता है कि शो दैट द गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। जहां हमें क्वेश्चन में ये लिखा है कि शो दैट, तो इसका मतलब आपके पास क्या है कि आपको शो करना है कि हमें वो पता है कि आंसर में इक्विवेलेंस रिलेशन आएगा, मींस रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तो शो होगा ही होगा। तो आपको सिर्फ समझदारी से उसकी डेफिनेशन को प्रॉपर वे में प्रेजेंट करना है, एंड देन यू कैन स्कोर इट वेरी इजीली इन दिस चैप्टर। या अगर हम बात करें सेकेंड चैप्टर इनवर्स ट्रिगो, दैट इज ऑल्सो द ईजी चैप्टर। दो ही एक्सरसाइजेस हैं। एनसीईआरटी आप सबसे पहले करेंगे, एनसीईआरटी विद एग्जाम्पल्स, क्योंकि एनसीईआरटी की एग्जाम्पल्स और एनसीईआरटी में से आपको 85 से भी ज़्यादा परसेंट पेपर आपको मिलेगा ऑलवेज। अगर आप पूरे अच्छे से एनसीईआरटी को करके जाते हैं तो आप ये सोच के चलिए कि आपको 90+ marks ईजिली यू कैन स्कोर इन बोर्ड एग्जामिनेशन। उसके बाद अलजेब्रा की बात करें तो अलजेब्रा आपके पास है मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट। और मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट में अगर मैं कहूँ आपको, तो सबसे पहली चीज़ कि बेसिक इन द फॉर्म की लास्ट, हर चैप्टर के लास्ट में जो ब्लूप्रिंट पे एनसीईआरटी में आपके इम्पॉर्टेंट नोट्स होते हैं, तो दैट इम्पॉर्टेंट नोट्स यू हैव टू रीड इट। दैट नोट्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर 1 mark questions। उसमें आपके पास फॉर्मूलाज भी हैं सारे, उसमें इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी लिखा है सारा, उसे आप थॉरली अच्छे से रीड करेंगे, ठीक है। और वो रीड करने के बाद सबसे पहली चीज़ कि आपके पास जितने भी इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं हर चैप्टर के, उसे आप एक अलग से नोटबुक में रखिए, ताकि आप नोटबुक लास्ट मोमेंट पर रिवाइज करेंगे तो पूरी बुक रिवाइज नहीं करेंगे, सिर्फ वो जो आपको अपने हाथों से लिख गई है, बनाए हैं सारे इम्पॉर्टेंट नोट्स, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ओनली यू हैव टू रिवाइज इट दैट इन दैट टाइम। तो अगर इसकी बात मैं करूं, तो अगर आप लास्ट 5 or 7 years के क्वेश्चन पेपर्स भी अगर उठा लेते हो, अगर उसी में से इसके क्वेश्चन एलजब्रा के, मीन्स मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट के करते हो, दैट इज एनफ फॉर यू। उन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिलेगा कोई ना कोई, सिर्फ स्टेटमेंट के डिजिट्स चेंज होंगे, फॉर्म आपके पास वही मिलेगी अगर आप लास्ट 5 to 7 years के क्वेश्चन पेपर्स अच्छे से कर लेते हो। कैलकुलस आपके पास जो है दैट इज ऑफ 35 marks, जिसमें आपके पास 5 chapters आते हैं, जिसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आती है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को डर लगता है कैलकुलस से, जिसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का चैप्टर और इंटीग्रेशन, दो टॉपिक स्टूडेंट्स के पास ऐसे होते हैं जो उनको लगता है कि ये तो अगर हम छोड़ दें तो भी चलेगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज़ मैक्सिमा एंड मिनिमा, स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप वीडियोस उसमें देखेंगे तो हमने ये दोनों टॉपिक उसमें कवर किए हैं, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड अगर आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लें तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है उसे करना, बस आपको रेगुलर टाइम देना पड़ेगा हर सब्जेक्ट को। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सिर्फ मैथ्स को टाइम दो, आप हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देकर उसके अकॉर्डिंग उसकी तैयारी करो। कैलकुलस के बाद अगर हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, जो 8th chapter आपका है कैलकुलस में ही, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, अब उसकी अगर हम बात करें तो अगर आप सिर्फ एक घंटा सीरियसली बैठ जाएं तो ये चैप्टर आप बहुत इजीली कर सकते हैं, और इसमें से आपको 4 या 6 marks का एक क्वेश्चन 100% मिलेगा। नॉट फॉर 1 mark or 2 mark, 4 या 6 में से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। और अगर आप एक घंटा सीरियसली बैठेंगे तो इस चैप्टर को बहुत ईजीली कर सकते हैं, वेरी ईजी चैप्टर। कोई इंटीग्रेशन की फॉर्म यूज़ नहीं होगी उसमें, सिर्फ 3 चीज़ें यूज़ होती हैं, एक आपके पास सब्स्टिट्यूशन अगर कहीं यूज़ होगा तो, अदरवाइज वो भी इतना यूज़ नहीं होता।
जो यूज होगा तो क्या एक सिंपल फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, दैट इज इंटीग्रल ऑफ एक्स रेज टू पावर एन का, और दूसरा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, राइट, और लास्ट में तीसरा लिमिट पुट करनी, दैट्स इट। सिर्फ उसके अकॉर्डिंग आप उसे इजीली कर सकते हो। डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम बात करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर और डिग्री वन मार्क में पूछा जा सकता है, या आपके पास फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें हमने कहा था कि अननोन कांस्टेंट जितने होंगे उतनी बार आप उसे डिफरेंशिएट करोगे। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने तीन मेथड किए थे, उसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन उसमें से पूछा जाएगा, बट वो ज़्यादा ईजी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग देखें कि मेन मेन पार्ट आप कवर करें। जो ईजी ईजी पार्ट हैं जो आपने करे हुए हैं वो ठीक है, लेकिन जो आपको नहीं आता उसे फटाफट से एक बार कंप्लीट करके फिर हम उसकी रिवीजन स्टार्ट करेंगे। वेक्टर्स और 3D में अगर हम देखें तो वेक्टर्स मोस्ट प्रोबेबली आपका 4 मार्क्स का होगा और 10 मार्क्स का आपका होगा 3D ज्योमेट्री। इसके लिए भी अगर आप लास्ट 5 to 7 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स उठाएं और उन क्वेश्चंस को करें तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इसमें। LPP इज़ अगेन अ स्कोरिंग चैप्टर। पहले ये 6 मार्क्स का आता था, अब ये 5 मार्क्स का चैप्टर है जो 1 और 4 का होगा। 1 मार्क का एक क्वेश्चन आ सकता है इसमें और एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स का मिलेगा। इसकी स्टेटमेंट ज़रूर लेंथी होती है बट वर्किंग पार्ट इज़ वेरी ईजी एंड वेरी स्कोरिंग। अगर एक घंटा आप इसे बैठकर समझ के करें या 3 क्वेश्चन भी अगर आपने अच्छे से समझ लिए तो आप इस पूरे चैप्टर को ईजिली कर सकते हैं, तो यू कैन स्कोर इट ईजिली फॉर दैट। प्रॉबेबिलिटी की बात करें तो इसमें तो ऑलरेडी एक चैप्टर, एक टॉपिक आपके पास कट चुका है, दैट इज़ बर्नौलिस ट्रायल्स और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपके पास यहाँ बचा क्या क्वेश्चन, आपके पास या तो टोटल प्रोबेबिलिटी या बेस थ्योरम में से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में ज़रूर मिलेगा, और इस पर हमने वीडियो भी ऑलरेडी बनाया हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह से आपके पास टोटल 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है जिसमें 36 क्वेश्चंस अगर आपके पास आते हैं तो इन 36 क्वेश्चंस में जो आपके पास है 34, तो इसमें आपके पास बहुत ईजीली बड़े अच्छे से आप उसे स्कोर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए अब आपको अपना टाइम प्रॉपर देना होगा। 1 मार्क के क्वेश्चंस के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो इजी चैप्टर्स हैं आप उन चैप्टर्स को सबसे पहले कीजिए, कि जो चैप्टर्स आपको लगता है कि ये आते हैं आप उन चैप्टर्स को फटाफट से रिवाइज कीजिए, की पॉइंट्स बनाइए। सबसे पहला स्टेप आपको तैयारी करने का, ये तो हमने चैप्टर वाइज डिस्कस किया, अब हम बात करते हैं कि अगर हम तैयारी करेंगे अब जितना भी टाइम हमारे पास बचा है, तो आपने सबसे पहली चीज़ की बी पॉजिटिव, आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने कहीं डरना नहीं है, जितना भी आपने किया हुआ है उसके आगे आपके पास अभी भी टाइम है, आप उसे कर सकते हो, बट अब ये टाइम करने का है, सोचने का नहीं है कि आप अभी भी प्लानिंग करो कि हाँ हम करेंगे करेंगे करेंगे, नो, या आप ये सोचो कि 10 दिन है उस 10 दिन में कर लेंगे, तो उस 10 दिन में भी वो होगा जो आपने पहले किया होगा। एक आधा टॉपिक आपका रह जाता है तो वो अलग बात होती है, बट अदरवाइज अगर आप सोचें कि हम मैथ्स को बिल्कुल ही छोड़ दें नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स के, हमारे पास 10 दिन है हम उसमें करेंगे, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तैयारी आपको पहले से करके रखनी होगी, सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि जहाँ 10 दिन मिल रहे हैं वहाँ आप और अच्छे से थॉरली रिवाइज कर सकते हो, सैम्पल पेपर्स कर सकते हो, लेकिन जहाँ दिन 3 है वहाँ आप सिर्फ रिवाइज ही कर पाओगे थोड़ा बहुत, कि एक बार NCERT ही रिवाइज कर लें तो ही हमारे लिए बहुत है, क्योंकि हमारे पास पेपर्स के बीच में गैप भी आ जाता है, कि अगर आपके पेपर 15 फरवरी से शुरू हैं या मान लो 27 को आपका पहला पेपर है, तो आप ये सोच के चलो कि 27 को आपने उससे एक दिन पहले या 4 दिन पहले भी आपने अगर मैथ्स छोड़ा है तो वो मैथ्स अब आप कब उठाओगे 17 से पहले, तो उस गैप में भी आप सब कुछ ब्लैंक हो जाता है आपका, तो आपने उस हिसाब से भी अपने की पॉइंट्स बना के रखने हैं कि अगर आप उसे उठाओगे रिवाइज करोगे अपने की पॉइंट्स को अपनी नोटबुक को तो आपको रिकॉल हो जाए सारा कि हमने क्या किया था, हाँ इसमें ये था इसमें ये था, तो उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है बिफोर एग्जामिनेशन। तो उसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले ईजी चैप्टर्स उठाएंगे, जो ईजी चैप्टर्स आपको आते हैं सबसे पहले आप वो कीजिए, उसके बाद आप डिफ़िकल्ट चैप्टर्स पे जाइए। सेकेंड थिंग, कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि 1 मार्क के लिए
फोर और सिक्स मार्क्स के लिए तो फाइव नहीं, फोर और सिक्स मार्क्स के लिए तो हम कह सकते हैं कि चलो ये टॉपिक नहीं आता तो ठीक है, लेकिन वन मार्क के लिए वी कांट लेफ्ट एनी टॉपिक। तो इसलिए आपने सारे टॉपिक कवर करने हैं, कुछ भी छोड़कर नहीं जाना। उसके अलावा आपके पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपके पास क्या है कि आपको रेगुलरली पढ़ना है, अपना प्रॉपर टाइम टेबल बनाएंगे। टाइम टेबल किसी से बनवाना नहीं है, टाइम टेबल किसी की हेल्प लो लेकिन खुद बनाओ, क्योंकि फॉलो आपको करना है, किसी और को उसे फॉलो नहीं करना। कि आप सोचो कि ट्यूशन वाले सर बना कर दे दें या स्कूल की मैम बना के दे दें या कोई और ट्यूटर बना के दे दें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको खुद टाइम टेबल अपना बनाना है अपने हिसाब से, क्योंकि अब आप लोग स्कूल थोड़ा सा कम कर देते हो धीरे धीरे जाना, आप सोचते हो कि सेल्फ स्टडी करनी है, तो सेल्फ स्टडी के अकॉर्डिंग आप अपना टाइम टेबल खुद अपने अकॉर्डिंग बनाओ कि आपको रात को पढ़ना है, सुबह पढ़ना है, किस किस टाइम तक आप पढ़ सकते हो। उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू प्रिपेयर योर टाइम टेबल योर सेल्फ विद द हेल्प ऑफ ट्यूटर, विद द हेल्प ऑफ टीचर, विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स और योर ब्रदर और सिस्टर। द अनदर थिंग इज कि आप नोट्स और फॉर्मूलाज की डायरी, मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि नोट्स और फॉर्मूलाज जो भी आपके की पॉइंट्स हैं हर चैप्टर के, उसकी एक डायरी ज़रूर बना कर रखिएगा, ताकि लास्ट मोमेंट पर या एग्ज़ाम देने जाने से पहले आप सिर्फ उसी को रिवाइज करें, पूरी बुक में कुछ ना ढूंढते रहें कि ये रह गया या वो रह गया। एक की बुक आपके पास होगी, सिर्फ उस बुक को आप अच्छे से रिवाइज करें और उसके अकॉर्डिंग आपको सब कुछ रिकॉल हो जाएगा, राइट? रेगुलर आपको पढ़ना है जैसा टीचर कहता है। अगर आप खुद नहीं पढ़ सकते तो जहां आप पढ़ते हैं, टीचर से पढ़ते हैं स्कूल में या किसी ट्यूटर से पढ़ते हैं या कहीं भी किसी एकेडमी जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आप उसकी हेल्प लीजिए, जैसा वो कहता है उसके अकॉर्डिंग आप उसकी तैयारी अपनी शुरू कीजिए, ताकि आप उस किसी को एक को फॉलो करोगे तभी चलेगा। अगर आप अकेले खुद से नहीं कर सकते तो देन यू कैन मेक द हेल्प। नोट्स जो आप बनाते हैं वो नोट्स ज़रूरी नहीं कि आपको प्रॉपर बनाने हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाने हैं। ज़रूरी नहीं कि इंग्लिश ही लिखनी है, आपको हिंदी में समझ आता है, यू कैन राइट इट हिंदी इन हिंदी। आप हिंदी में लिखो, आप इंग्लिश में लिखो, जैसे आपको समझ आता है मिक्स करके लिखो, जिस लैंग्वेज में आप पढ़ो और आपके माइंड में वो स्टेप रिकॉल हो जाना चाहिए, यू हैव टू यूज़ दैट लैंग्वेज। ये नहीं कि आपको किसी को दिखाना है कि ये मेरी की बुक है देखो इसे पढ़ो, आपको खुद अपना पढ़ा समझ में आना चाहिए, राइट? इसके अलावा आपकी अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ कि हम एक मिस्टेक इसमें ये करते हैं कि हमें जो चैप्टर अच्छा लगता है ना, हम सिर्फ उस चैप्टर को लेकर बैठे रहते हैं कि ये चैप्टर अच्छा लगता है, इसी को करते जाते हैं। डोंट वेस्ट टाइम। अगर 10 नंबर का चैप्टर है तो वो 10 का ही आएगा, 10 से ज़्यादा नहीं हो जाएगा। तो जो चैप्टर आपको अच्छा लगता है, आपने उसे रिवाइज कर लिया, उसके पीछे मत पड़िए, आप वो चैप्टर कीजिए जो आपको नहीं आते, राइट? तो उसके अकॉर्डिंग अब आप तैयारी कीजिए। उसके अकॉर्डिंग तैयारी जो आप सबसे पहले करेंगे दैट इज़ एनसीईआरटी विद एग्जाम्पल्स। अगर आपकी वो अच्छे से हो गई है एग्जाम्पलर कीजिए। अगर एग्जाम्पलर का भी टाइम नहीं है, वैसे तो एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर आप कर सकते हैं इजीली, अभी भी आपके पास टाइम है, बट आफ्टर दैट यू हैव टू रिवाइज लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, बोर्ड क्वेश्चन पेपर्स, वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। हो सकता है कि आप माइंड में सोच रहे हो कि पैटर्न तो चेंज हो गया है तो क्यों करें, वन मार्क के क्वेश्चंस ही तो हैं, उसमें भी आते थे वन मार्क के क्वेश्चन, वो पहले चाहे चार आते थे अब 20 हो गए, लेकिन आपको आइडिया तो मिलेगा कि पेपर कैसे आता है। चार नंबर के क्वेश्चंस हैं, दो नंबर के क्वेश्चंस हैं या सिक्स मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। लास्ट मोमेंट पे अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो आप अपना 3 आवर्स का टाइम लगाइए, अलार्म लगाइए और देखिए कि 3 घंटे में आपका पेपर कितना होता है। कोशिश क्या करनी है आपको कि अपनी स्पीड इस तरह से बढ़ानी है कि 2.5 आवर में आपका एग्ज़ाम जो आपने करना है वो पूरा हो जाए और उसके बाद लास्ट 1/2 आवर में आप उसे रिवाइज करें। रिवाइज इन द फॉर्म, जो हम मिस्टेक करते हैं उसमें क्या, वो हम ये मिस्टेक करते हैं कि जब रिवाइज करते हैं तो हम सिर्फ ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, अप टू 30 जितने भी क्वेश्चंस हैं, आपको वो नहीं करना। रिवाइज इन द फॉर्म कि अगर आपने कोई स्टेटमेंट पढ़ी है तो उस स्टेटमेंट को ये भी देखो कि आंसर शीट में क्या कॉपी ठीक किया है। अगर आपने उसे कॉपी ही ठीक नहीं किया, आपने डिजिट ही गलत उतार लिया टेंशन से या जल्दबाजी में, तो आपका क्वेश्चन तो पूरा गलत हो गया। वहाँ आपको बोर्ड में मार्क्स नहीं मिलेंगे कि आपको मेथड आता है और आपको मार्क्स मिल जाए, दैट इज़ नॉट देयर। स्टेप्स के मार्क्स हैं, हर स्टेप के मार्क्स मिलेंगे आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, 4 में या 6 में।
इसीलिए कोई भी टॉपिक छोड़कर नहीं जाएंगे, जहां तक सॉल्व करेंगे वहां तक आपको मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आंसर गलत है और ऊपर का ठीक है तो आपको मार्क्स नहीं मिले, मार्क्स आपको मिलेंगे। बोर्ड की चेकिंग ईजी होती है एज कंपेयर टू स्कूल चेकिंग, तो बी पॉजिटिव, डरने की जरूरत नहीं है, अच्छे से तैयारी करिए। कहीं कोई डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप किसी की भी हेल्प ले सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, या कहीं और किसी भी ट्यूटर से आप पढ़ रहे हैं, कहीं स्कूल की टीचर से आपको हेल्प लेनी है, कहीं भी हेसिटेट नहीं करेंगे अब आप, और उसके अकॉर्डिंग अपना कॉन्फिडेंस लेवल पूरा अपने हाथ में होना चाहिए। लास्ट मोमेंट पे अगर हमने टेंशन ले ली तो हमारा सारे साल की मेहनत खराब हो जाती है। सो बी केयरफुल अबाउट इट एंड बी पॉजिटिव विदाउट टेकिंग एनी टेंशन। यू हैव टू प्रिपेयर इट योर सेल्फ फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, 90+ मार्क्स आप अभी भी इजीली स्कोर कर सकते हैं, अगर आप एक्शन में हो। एक्शन में हो इन द फॉर्म कि अब आपको करने का टाइम है, सोचना नहीं है, अब आपको करना है, टाइम को यूटिलाइज करना है, तो उसके अकॉर्डिंग अब आप तैयारी करेंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी, एनी कि कुछ भी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, या कहीं भी किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, या कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है, देन यू कैन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।